पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हसैन हुसैन की याद में मुस्लिम समाज के लोगों ने सितारगंज क्षेत्र के आसपास के गांव के लोगों ने बड़ी हकीदत और गमगनी मोहल्ले के साथ मोहर्रम निकाले। साथ ही मोहर्रम निकालने के दौरान पूरे शहर में हसैन हुसैन या हुसैन की सादाएं गूंजती रही। बता दें कि इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक 1400 साल पहले करबला के जंग में पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हुए थे। ये जंग इराक के करबला में हुई थी। जंग में इमाम हुसैन और उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भूखा प्यासा शहीद किया गया था। इसलिए मोहर्रम के महीने में सबीले लगाई जाती है, पानी पिलाया जाता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया था, इसलिए मोहर्रम को इंसानियत का महीना माना जाता है। इमाम हुसैन की शहादत और कुर्बानी की याद में मोहर्रम मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिया और जुलूस निकाले जाते हैं। वहीं सितारगंज में भी मोहर्रम निकाले गए। आज की नहीं है, पुरानी बुजुर्गों से परंपरा चली आ रही है कि जो हुसैन पाक ने अपने और अपने बच्चों को जो अल्लाह की राह में कुर्बान किया हक़ और सदाकत के लिए, ये कोई लड़ाई किसी और चीज़ को हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई या कोई इस तरह की नहीं थी, बल्कि ये आपसी एक जंग थी हक़ और बातिल की। तो हुसैन पाक ने अपने और अपने बच्चों को कुर्बान किया हक़ के खातिर। यानी यजीद चाहता था कि बातिल का परचम लहराए, हुसैन चाहते थे कि हक़ का परचम लहराए। तो हुसैन ने सब कुछ अपने नाना के उम्मत के लिए और एक अमन शांति के लिए, अमन सुकून के लिए, ताकि अगर यजीद होता तो आतंकवाद होता, यजीद होता तो उग्रवाद होता, यजीद होता झगड़े और फसाद होता। इसलिए नबी के लाल ने अपनों को और अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए अपने देश को बचाया और सारी उम्मत मुस्लिमा को बचाया। हजरत हुसैन पाक ने जो अपनी जानें दी हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के तमाम जो सुन्नी लोग हैं, जो हुसैनी लोग हैं, आज हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की यादगार इन ताजिया की शक्ल में मनाते हैं। हर जगह कहीं अलम की शक्ल में, कहीं ताजिया की शक्ल में ये उठाते हैं और उनकी यादगार मनाते हैं, ताकि आने वाली नस्लें भी याद रखें, ताकि हुसैन ने हक के लिए अपनी जान दी थी, अपने देश के लिए अपनी जान दी थी। इसलिए जो मुसलमान हुसैनी होगा ना अपने नबी का गद्दार होगा, और जो हुसैनी होगा, हुसैनी वफादार होगा तो अपने देश मुल्क हिंदुस्तान का भी वफादार होगा। वो हुसैनी हो नहीं सकता है जो अगर कोई भी अपने देश का गद्दार होगा। हुसैन ने आतंकवाद मिटाने के लिए, उग्रवाद मिटाने के लिए और अमन सुकून का पैगाम देने के लिए अपने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया है। इसलिए हम सब उनकी यादगार मनाते थे, मनाते हैं, मनाते रहेंगे।